विश्वकप 2023 टेबल टॉपर भारत को बड़ झटका। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आहत कारण विश्वकप इंग्लैंड विपक्ष मैच रु बात पड़ी पारंती। 29 अक्टोबर में लखनऊ में भारत एवं इंग्लैंड मध्य होगी मैच, तबे हार्दिक ही मैच पर भारतीय दल सह लखनऊ जाना। वर्तमान से बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी अच्छा चिकित्सा चली। कदि आघात ठीक न हुए तेरे 2 नवेम्बर में मुंबई में श्रीलंका और 5 नवेम्बर में कोलकाता दक्षिण आफ्रिका विपक्ष से होगा मैच से बात पड़ पारती। अवश्य बीसीसीआई एने कौनसी औपचारिक बयान देना। गत 19 अक्टोबर में होता बांग्लादेश विपक्ष मैच रे से आहत होते आंठुरे गभीर आघात लगी। आघात गभीर थी से ही मैच पूर्ण कर पार बोलिंग अधारू ही तंको मैच छाड़ी आसवाक पड़ता। 22 अक्टोबर में न्यूजीलैंड विपक्ष मैच रे मध्यो से टीम 11 रु बात पड़ते। तेरे लिगामेंट सामान्य नष्ट होई टीम मैनेजमेंट तांको नै कोनोसी रिस्क नेबा को चाहुनी। ए परिस्थिति रे इंग्लैंड विपक्ष मैच परे नवंबर प्रथम सप्ताह रे श्रीलंका एवं दक्षिण आफ्रिका विपक्ष मैच रे मध्यो तांको विश्राम दिया जाई पारे। भारतीय दल वर्तमान विश्वकप रे सबुठु मजबूत स्थिति रे अछि। 5टी मैच रु 10 पॉइंट सह पॉइंट तालिकार शीर्ष रे रहिछि रोहित बाहिनी एवं आउ गोटे मैच जितिले भारत सेमीफाइनल खेलबा नै योग्य हेबो। ए परिस्थिति रे हार्दिक पांड्या दल को प्रत्यावर्तन करिबा अत्यंत जरूरी हो जाइछि। तबे न्यूजीलैंड विपक्ष मैच रे भारत हार्दिक को ऑलराउंडर दक्षता को मेकअप करिबा पई सूर्य कुमार यादव एवं मोहम्मद शमी को खेलाइथिला। सूर्य कुमार भल प्रदर्शन करिपारिनथिले मध्यो शमी 5 विकेट नै दमदार प्रदर्शन करिथिले। तबे इंग्लैंड विपक्ष मैच रे दल काहाकु प्लेइंग 11 रे शामिल करिबो से नै मध्यो किछि स्पष्ट जणा पड़ि नाही। तबे कुहा जाउछि जे शमींक बदल रे रविचंद्रन अश्विनी को दल रे शामिल करा जाई पारे। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।